इन्फेक्शन के बारे में। तो ये टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन इसलिए होता है, इसका क्या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है टॉक्सोप्लाज्मा बोनिटी पैरासाइट की वजह से ये इन्फेक्शन होता है। हाइड्रोसिफेलिस वगैरह
या अनफास्टराइज मिल्क कंज्यूम करने से बचें, तो ये सब करके वो उस इन्फेक्शन से प्रिवेंट हो सकती है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, इसके ट्रीटमेंट के लिए जो होता है, अगर मदर IgM पॉजिटिव है अर्ली प्रेगनेंसी में, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है, स्पायरामाइसिन जो मेडिसिन होती है, इसमें
मतलब जो उसकी इन्फेक्शन उसके अंदर है वायरस, वो उसको अदर को भी ट्रांसमिट कर सकता है थ्रू शेडिंग ऑफ वायरस। हम देखते हैं इसके डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं। तो डायग्नोसिस में जो इसमें कहते हैं कि रूबेला स्पेसिफिक IgG और IgM एंटीबॉडीज को डिटेक्ट इसमें करते हैं। तो अगर IgG एंटीबॉडीज अगर प्रेजेंस होती है तो इसका मतलब है कि जो रूबेला का इन्फेक्शन है वो करंटली उसमें हुआ है, ठीक है, करंट इन्फेक्शन उसमें प्रेजेंट है। तो क्या होता है कि अगर अर्ली प्रेगनेंसी में IgG एंटीबॉडीज डिटेक्ट हो जाती है तो उस कंडीशन में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की के लिए हम बोल सकते हैं कि ये इंडिकेशन होता है फॉर एंटीबॉडीज के लिए, ठीक है। और अगर IgM एंटीबॉडीज अगर उसमें प्रेजेंट है मटन में तो इसका मतलब है कि वो जो रूबेला के लिए इम्यूनाइज है, उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है पहले, या तो उसमें पहले इन्फेक्शन हो चुका है किसी वजह से उसमें इम्यूनिटी डेवलप हुई है, फिर वो वैक्सीनेटेड है पहले से रूबेला के लिए, तो उसमें IgM एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी और फर्दर एक्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और अब देखिए प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए अगर वो इम्यूनाइज नहीं है पहले तो जो एडोलेसेंट एज में हम उसको वैक्सीन दे सकते हैं, जैसे 11 to 13 ईयर की एज में अगर पहले अर्ली चाइल्डहुड में उसको वैक्सीनेटेड नहीं है तो वो अगर तो उसको बाद में हम इम्यूनाइज कर सकते हैं 11 to 13 ईयर की एज में MMR वैक्सीन उसको देंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर जो भी एडोलेसेंट गर्ल है उनको बिफोर प्लानिंग मैरिज बिफोर प्लानिंग ये IgG जो है IgM एंटीबॉडीज का टेस्ट करवा लेना चाहिए। अगर उसमें IgM एंटीबॉडीज स्पेशली रूबेला की प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको इम्यूनाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो MMR हम उसको दे सकते हैं। तो MMR में रूबेला का वैक्सीन होगा 0.5 ml सबकेनियसली उसको देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर प्रेगनेंट वो अगर मन चाहे प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो प्रेगनेंसी से पहले 2 to 3 months पहले उसको रूबेला का वैक्सीन दिया जा सकता है, ठीक है। और रूबेला के वैक्सीन के तुरंत बाद प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी चाहिए, तो उसमें कम से कम 2 to 3 months का गैप होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो अगर तुरंत बाद वैक्सीन के तुरंत बाद अगर प्रेगनेंसी कंज्यूम अगर कर लेती है तो उससे फीटस में कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। और जो है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम को प्रिवेंट करने के लिए जो है हाइपर इम्यून ग्लोबुलिन मदर को दिया जा सकता है। और प्रेगनेंसी में क्या है कि प्रेगनेंसी में तो रूबेला का जो वैक्सीन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है क्योंकि लाइव वैक्सीन है, ठीक है, इसमें वायरस प्रेजेंट होता है तो वो हो सकता है कि उसमें रूबेला कोज कर दे। रूबेला मतलब वो उसके लिए प्रेगनेंसी में वैसे भी वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होती है वुमेन, तो हो सकता है कि वो रूबेला कोज कर दे। तो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं रूबेला वैक्सीन।